गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल रिंजा फूड ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस बार मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके होंगे मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि अभी मैं इन दिनों कुछ ऐसे कामों में बिजी थी या फिर कहीं ऐसे लोगों से मिलना हो रहा था, कहीं ऐसी जगहों पर जाना हो रहा था जहाँ पर मैं ब्लॉग्स नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो ब्लॉगिंग की ही नहीं और कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं दिखाने लायक और तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। लेकिन आज मैं कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ मैंने कपड़े वगैरह निकाले थे कल जो कि मैंने आपको दिखाए थे सारे, ये सब चीज़ें ड्राईक्लीन देने के लिए जा रही हूँ। प्लस अभी जा रही हूँ हमारे जो स्टोर, हमने जो स्टोर हमारा ऑलरेडी जैसे ओपन था उसको हमने वापस से रीलॉन्च किया, तो उसमें हमने बहुत सारी जैसे कि न्यू डिज़ाइंस रीलॉन्च की है, कॉट सेट्स वगैरह, कुर्तीज, वन पीसेस, सूट, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे लॉन्च करने वाले। अभी हमने कुछ चीज़ें कुछ पीसेज अभी लॉन्च किए हमने हमारी ऐप पे, सॉरी ऐप पे नहीं इंस्टाग्राम पे पेज पे, और बहुत ही जल्दी वेबसाइट भी हम लोग स्टार्ट करने वाले। उस पर वेबसाइट पे हमारा काम चल रहा है, उस पर फोटोज़ वगैरह क्लिक हो रहे हैं, सब कुछ वो चीज़ें हो रही है, तो उसको थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा। सो दैट हमने सोचा कि तब तक हम लोग ना इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग स्टार्ट करते थे। हमारा इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी है आर्मोर कुट्योर करके, मैं यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर दूंगी प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स दे दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ जाके हमारा जो न्यू पेज है उसको फॉलो करना। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ऑब्वियसली ऑर्डर करना। प्लस अभी हम लोग आज जा रहे हैं जो हमारी ऑनलाइन पैकेजिंग है, क्योंकि हमने कुछ हमारे पीसेस बन चुके हैं तो हमने डाल दिए, तो हमारे पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें एक्चुअली क्या कि टैग्स बनवाने हैं, टैग हो गया, कुछ थैंकिंग यू नोट्स हो गए, प्लस पैकेजिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए तो वो सारी हमें आज बनवाने के लिए जाना है, तो वो सब रेडी होंगी तो हम ये ऑर्डर वापस डिस्पैच कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन वही है कि अभी दिन में निकलते तब सारे शाम तक काम हो पाते, शाम को निकलते तो 1-2 घंटे के बाद 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है, तो बस इसीलिए अभी निकलते हैं मैं और मीनू दोनों ही जाना है, थोड़ा मार्केट अंदर की तरफ जाना है, टाइम काफ़ी लगेगा। प्लस हमारे जो टेलर्स जहाँ बैठते हैं वहाँ पे भी जाना है, बहुत सारी नई डिज़ाइन हम लोग ने डिसाइड की है तो उसका वो सैम्पल्स बनवाएंगे, पहले 3-4 सैम्पल बनते तब जाके वो चीज़ पास हो पाती है और उसके बाद हम लोग वापस से उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होती है वो चेंज वेंज करके जो भी सबसे बेस्ट चीज़ निकाल के हम लोग वापस लॉन्च करेंगे हमारी वेबसाइट पे और हमारे आर्मोर कुट्योर के पेज पे इंस्टाग्राम पे। सो गाइस चलते हैं, है ना, सब तैयार हो चुका है यहाँ पे हमारे सारे सारे ये वो हुए ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़े, प्लस इसमें ये सारे कुछ हमें लेके जाने हैं और ये भी सारे हमें जो नई ड्रेसेस हमने बनवानी है वो है, प्लस इसके अंदर भी हमारे पास सैम्पल्स है जो हमने ऑलरेडी बनवाए हैं, तो ये सारा कुछ काम है हमें लेके जाना है अभी। अरे जाना कहाँ है भाई, हम मार्केट जा रहे हैं, इतना सारा सामान है हमारी स्कूटी में भी नहीं आ रहा, तेरे को कहाँ लेके जाऊँ मैं धूप में, अरे लेके कहाँ जाऊँ भाई, दिमाग खराब है, हम लोग सीधे रात को आएंगे, फालतू मत बचने पियो, दिमाग नहीं खराब करना मम्मी, ए मम्मी दिमाग काम मेरा खराब कर रहे हो। हम लोग मार्केट आ गए थे जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लिप्स में, हमने स्टोर का मोस्टली सारा काम कर लिया, टेलर के पास जाने का, सारे कुछ नए जो फैब्रिक नए जो डिजाइन देनी थी वो सब हमने दे दी, उसके बाद हम लोग विजिटिंग कार्ड्स वगैरह वो वाला हमने सारा काम कर दिया और उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे क्योंकि शाम भी होने लगी थी और इतना घूम घूम के ना पैर दर्द होने लगे थे क्योंकि गलियों के अंदर पैदल भी वॉक करना था काफी जगहों पर और सबसे सर लगाना समझाना और ऊपर से इतनी गर्मी। उसके बाद हम लोग चले गए थे भाटी सॉफ्टी एंड सॉफ्टी जो जालोरी गेट में है, काफ़ी पुरानी दुकान है, बहुत ही अच्छी, वहाँ पे आइसक्रीम्स फालूदा शेक्स वगैरह मिलते हैं, तो हमने कोल्ड कॉफ़ी पी वहाँ पे, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं थोड़े से शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये होता है ना यार मेरा तो ऐसा है कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, स्ट्रेस में होती हूँ, अगर मुझे शॉपिंग करवा लो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, मतलब उसमें मुझे कभी कोई थकान नहीं होती, मेरा कभी सर दर्द नहीं होता, मुझे कभी कुछ भी फील नहीं होता, कितनी भी बीमार हो शॉपिंग के लिए ले जाओ आई एम ऑलवेज रेडी।
तो बस मैंने कहा यार चल थोड़ी सा कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, जो छोटी मोटी चीजें चाहिए थी वो लेते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद वापस से अपना काम कंटिन्यू करते, क्योंकि यार वही सेम सा काम करके ना बड़ा बोरिंग सा लग रहा था सबसे लोगों से डील करके। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग दुकान में पहुंच गए थे, और इस दुकान से मैंने अपने शादी के टाइम भी सारा सामान मैंने यही लिया था, जो भी सारा पैकिंग का सामान होता है या भी छोटे मोटे जो चीज़ें होती है जरूरत की चीज़ें होती है वो सारी यहाँ से ली थी। मेरी फ्रेंड ने ये शॉप दिखाई थी त्रिपोलिया के अंदर थी, उसने बताया था मुझे, वही लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बैंगल बॉक्स, साड़ी और पोशाक के वो पैकेट्स वगैरह जो मेरे काफ़ी कम हो गए थे, अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, चूड़ियाँ भी बढ़ चुकी है टाइम के साथ, तो अभी उनके लिए नए बॉक्सेस और चाहिए, तो वो सारे कुछ लिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी दोहर वगैरह लेने के लिए, ओढ़ने के लिए कॉटन की। अभी जैसे गर्मियाँ चल रही तो ये प्योर कॉटन की होती, बहुत ही अच्छी होती है ओढ़ने के लिए, कंफर्ट रहती है, तो फिर मुझे अपने लिए भी अच्छी लगी, तो मैंने एक आध डबल बेड की ली ली। फिर मैं सोचा यार उठा के यहाँ पे लीक के तो जाना काफ़ी भारी काम हो जाएगा यहाँ से इतना हैवी उठाना, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा जब इन सब के साथ ले ही लेती हूँ, फिर वापस से दिल्ली आके स्पेशली वो लेने के लिए जाना, और वैसे ही मिले ना मिले यहाँ वो चीज़ पसंद आ चुकी है, तो आई थॉट ले लेती हूँ। यहाँ पे ये हमारा सारा कुछ सामान हमने निकाल दिया है, और घर वाले सच में बहुत गुस्सा होने वाले मैं घर पहुंचूंगी, क्योंकि मैं जब भी आते ना मम्मी मुझे बहुत डांटती कि तू आती है और हमारे इतना खर्चा करवाती है, रोज मार्केट जाती है सामान भर भर के ले आती है। पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, और मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो चीज़ चाहिए मुझे लगता है कि ये जरूरत होगी होगी मैं ले लेती हूँ, मतलब बिना पूछे। और यहाँ पे मैंने सारी शॉपिंग कर ली है, मोस्टली आधी से ज्यादा सामान मम्मी का सामान ले लिया, और अब हम लोग निकल चुके वापस, थोड़ा सा वॉक करते हैं। मैंने कहा चलो अब यहाँ आए तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं मार्केट भी, और चलते चलते मुझे साड़ी का कलर बहुत अच्छा लगा, जब प्राइस पूछी तो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, इतनी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी जितनी इसकी प्राइस थी। और उसके बाद हम लोग फिर से चले गए अपने स्टोर के काम के लिए, वो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह एंड टैग्स वगैरह जो कपड़ों में टैग्स लगते हैं, साइज लगते हैं, वो सब कुछ देखने के लिए, बनवाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। भाई साहब बहुत बहुत एक्टिंग काम है जब करते हैं ना तो पता चलता है, और इसकी इतनी छोटी छोटी से शॉप्स बनी होती है कि ढूंढना ही बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। ये तो कहीं जान दे आके दुकान है बंद तो है पर खुलोगे तो है, और तो बता दो कोई। सो गाइस आज हम जितनी बार भी गए वहाँ रास्ता बंद है, और पता नहीं कौन से रेलवे कॉलोनी के अंदर से रास्ता निकल रहा है, और जहाँ जहाँ बाकी लोग जा रहे हैं उन्हीं को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं पता, पूरी कॉलोनी घूम ले यहाँ से वापस यू टर्न, बंद बंद है मीनू कॉलोनी मस्त है। और मंडल खेलकूद परिसर क्या मस्त रास्ता है, आज पूरी रेलवे कॉलोनी देख ली करण दे सही है सीधा है ये तो आज खोल लो है आज भी लोग ना और नया होगा रे सीधे चले सीधे तनवे तो जाना है वो तो बोलो टेक्निक हो जाए इन पे तो जाए ये फिर से रास्ता बंद है इस तरफ से बंद क्यों है भाई कारण ये है या बाहर से तो निकल गया हाँ क्या है रुको ना। अरे यार कुछ नहीं है इसमें हाँ नहीं है हाँ तो चलो ना अंदर नहीं दो ना अब मम्मी जो को है जो हाथ आड़ो हाथ में रही वो इनके थे को गाइस गुड मॉर्निंग और अभी अभी ये कुछ खोल रहे ये इधर से सामान खोल रहे और थोड़ा थोड़ा ये फट भी गया इधर से हाँ फट गया है थोड़ा ये देखो इधर ये फट गया और ये बढ़ गया अंदर से पहले एक बार सामान दिखा देता हूँ इधर छेद में से ये देखो क्या क्या दिख रहा है कुछ ठीक है तो मारती रहें दो और उधर मारती बर्तन मजूर रही है बर्तन मजूर रही है आओ मारती अब आओ अब आओ हेलो हेलो हाँ नानी क्या कर रही हो बहू क्या कर रही हो बहू क्या कर रही हो मम्मी ओवर लोड समर उठा रही है नहीं और एक और अभी ये अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे चलो और इधर ये सब मेरा कचरा कर रखा है पूरा का पूरे अभी मैं डस्टबिन में डालूंगा अभी हम लोग जो सामान की शॉपिंग करके आए वो अभी हम लोग दिखाने वाले पीयू को और पीयू की नानी को ये रे पीयू पीयू ये क्या है पीयू ये क्या है गाइस सबसे पहले तो दिखाते हैं बैंगल बॉक्स ये है बैंगल्स बॉक्स हटो
चूड़ियाँ रखने का, जो कि हमारे कम पड़ गया था थोड़ा सा, चूड़ियाँ ज़्यादा हो गई टाइम के साथ, तो ये लाए हैं 1 2 3। गाइस आपको पता है मम्मा ना एक बार ना नानी के लिए चूड़ी लाई थी, इसलिए ये लाई है। हाँ इसको पता है कि थोड़े दिन पहले मम्मा चूड़ियाँ लाई थी। तो ये 4-4 के हैं, और ये है 2 वाला कि कभी कहीं ट्रैवल करें आना जाना हो तो चूड़ियाँ साथ ले जानी हो, इसको मैं आराम से सेट करके ले जाएं, बड़ा सेट तो इसमें ले जाएं, और छोटे छोटे कंगन ले जाने तो ये सिंगल वाला, तो ये सिंगल वाला, ये डबल वाला, और ये हो गए 4-4 वाले। सही है ना, नानी को बोलो अच्छा लगे क्या, पूछो पूछो ना। उसके बाद लेके आई हूँ ये किए बाहर वाला जो दीवान है ड्राइंग रूम का, उसका सेट है, कवर सेट है, 5 वो कुशन कवर्स, 2 वो गोल वाले क्या बोलते हैं पिलोज उनका, और 1 चद्दर। तो ये हमारे कर्टन के मैचिंग है, उस हिसाब से एक ये लेके आए, कॉटन है, प्योर कॉटन, और बहुत ही अच्छा है फैब्रिक है। और मम्मी को बताते हैं अभी, और मम्मी के साथ चलती हुई पढ़ दो बता दो। एक भी बैठो भी देखिए, जो मैं सो कलर है नहीं, एक पेंट कलर ये देना नानी, एक से मुझे तो निकालना है, नहीं चीज वो को के ये पढ़ दे, मैच करने जा रही है। हुआ क्या, मैच हुआ? हुआ नहीं, नहीं हुआ। क्या बात कर रहा है, देखो उसमें ना ऐसे डिजाइन बनी है ऐसे, ए बॉडी भाई कलर मैच हो रहा है, वो भी ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और हम लाए हैं पीयू, और पीयू की नानी के लिए बहुत सारे हैं कि, क्योंकि नानी ने भी बोला था मेरे पास नहीं और पीयू के पास भी नहीं है, तो ये बहुत सारे सारे कलर्स में हैं कि सारे जी जी के पीयू को पता है पीयू से नोज साफ करते हैं। नानी को दे दे, अब नानी को दे दे छोटू, नानी को ना, नहीं नहीं नानी को दे दो सारे एक बार, सारे नानी को तो दिखाओ कैसे हैं। ये दोनों उसके बाद लाई हूँ मैं पीयू के लिए टॉवल, क्योंकि पीयू के पास यहाँ पे टॉवल नहीं था है ना, रोज लेके आते थे, अब आगे से ये टॉवल यहाँ रख देंगे, मेरा टॉवल जैसे यहाँ रहता है हमेशा, मैं लेके नहीं आती, और अब पीयू का भी हमेशा यहाँ रहेगा, तो लाना ले जाना नहीं पड़ेगा रोज रोज, ये वाला यार अभी ये चल रहा है बता, चलो जाके इसकी ये माता का सब जाएगा क्या रे सुनो, मैं जब सुबह नंबर नहीं यूज करूं, नहीं अंकल ने बोला है कि यूज करने से पहले ना एक बार वॉश करना, तो पहले ये एक बार वॉश होगा उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो, इसका ना जर्म्स लगे होते, बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना हाथ लगाते हैं वहाँ पे, देखते हैं टच करते हैं जर्म्स हो गए, वॉश करने के बाद आप यूज कर सकते हैं। कौन है भाज का लिए जुकाम हुआ क्या, जुकाम हुआ है क्या, और कान में अंदर देखो कान है ना जो के अंदर कीड़े गए और कुचर कुचर कर रहे, उसके बाद लाए हैं ये ब्लाउज का कवर, इसके अंदर बहुत सारे ब्लाउज ज्यादा ही आई ब्लाउज तो, ज्यादा ही आई ब्लाउज तो, मम्मी के पास ऑलरेडी है, मेरे पास भी ऑलरेडी है, लेकिन वो मेरे पास नोएडा में है, क्योंकि मैं मेरे पास वहाँ पे जो साड़ी है वो रखी हुई है, और ये यहाँ वाले के लिए पियो ऐसे फट जाएगा, पियो फट जाएगा, नहीं नहीं पियो फट जाएगा, थोड़े से चौड़े हैं, नहीं नहीं बड़ा नहीं, ना ना साइज सेम है, ये देखो गाइस
ये थोड़े से ना चौड़े वाले, सो दैट क्या है क्यों अभी बाद में अपने का निशा आप गिरे के। और उसके बाद हम लेके आए हैं ये दो घर ओढ़ने के लिए, एज कंफर्टर जिसको बोलते हैं वो। और नंदू घर रखे घर अंदू और खेर घर दो घर, एक ये डबल बेड की और दो सिंगल सिंगल। ये मैं दिखाती हूँ क्वालिटी, बहुत ही मस्त क्वालिटी की, कॉटन में प्योर कॉटन में। और ये आप एसी वगैरह में ओढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है एंड गर्मियों में सबसे बेस्ट है। और ये डबल शेडेड है, एक तरफ से लाइट एक तरफ से डार्क, और यहाँ पे ऐसी मतलब इसके अंदर वो क्या प्लेस बॉर्डर बॉर्डर जो भी, और ये डबल है मतलब इस तरीके से। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन में दोनों तरफ से, एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क। और ये सिंगल वाली भी है, तो सिंगल वाली भी फुल साइज में मतलब चार बज है, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और कुछ भी आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और कमेंट करके बताना आपको इनमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, और सबसे यू नो ओके ओके सी कौन सी लगी कि भाई ये तो यूज़फुल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं सारी यूज़फुल चीज़ें लाई होंगी जो ज़रूरत पड़ती है घर में और डेली बेसिस पे पड़ती है। मम्मी का यहाँ पर रिएक्शन कैप्चर कर रहे थे सारी चीज़ें दिखा के, हम लोग वेट कर रहे थे कि मम्मी कितना डांटेगी, बट मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि फालतू की चीज़ कोई थी नहीं मेरे हिसाब से, तो मौका दिया ही नहीं मम्मी को, है ना। ओके बाय, मिलते हैं जल्दी।